तो सारस से दोस्ती की वजह से चर्चा में आया, आरिफ से उनका दोस्त छीन लिया गया। खबर है कि वन विभाग की टीम ने सारस को रायबरेली के समसपुर पक्ष विहार में संरक्षित कर दिया। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि वो जिससे मिलने जाते हैं सरकार उससे सब कुछ छीन लेती है। अखिलेश ने इस दौरान आजम खान और कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी का भी उदाहरण दिया। अखिलेश यादव भी मनखा में आरिफ और सारस की दोस्ती देखने पहुंचे थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने सारस को रायबरेली के समसपुर पक्ष विहार में संरक्षित कर दिया है। इसका अखिलेश यादव ने वीडियो भी शेयर किया। अखिलेश ने वीडियो शेयर कर कहा कि वन विभाग की टीम उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस को स्वतंत्र करने के नाम पर उसकी सेवा करने वाले से दूर ले गई है। देखना यह है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाने वालों से स्वतंत्र करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। उन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाया, इस बात की जानकारी नहीं थी कि पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर हमारा पत्रकार साथी केवल वादा पूछ लेगा कि आपने विकास के वादे किए थे तो हो सकता है उस पर ऐसी धाराएं लग जाएं कि उसे जेल में रहना पड़े। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस तरह बताया, मैं जरूर बजट में देखूंगा कि इधर तो बजट ही नहीं खर्च हुआ और आपने जानकारी दी कि बजट ही खत्म कर दिया। मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं और साथ ही साथ हमारे आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी उसको, टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, सारस से मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छीना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिलकर के आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं।